बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम देखने वाले दोस्त जहाँ कहीं भी होंगे, मेरी दुआ है साथ खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से व्यूअर्स ने ये कहा था कि बड़ा बोर्ड, हसरत मोहानी कॉलोनी, वहीदाबाद, इन इलाकों की भी अपडेट दें। तो आज इसी सिलसिले में हमने अपनी वीडियो का आगाज़ किया है बड़ा बोर्ड से। ये आबादी, इसको हम कह सकते हैं कि मिक्स आबादी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर महाजरों की तादाद ज़्यादा है, यानी उर्दू बोलने वालों की। यहाँ पर पश्तो भी रहते हैं और आगे की साइड पर सराई की और दीगर मेमन वगैरह भी यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि कराची का मिनी पाकिस्तान। और यहाँ पर जिस गली से भी हम गुज़र रहे हैं, यहाँ ज़्यादातर जो आबादी है वो पश्तूनों की है, हमारे पश्तून भाई हैं, उनकी आबादी है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे और लेफ़्ट साइड पर टर्न लेंगे, ये क्वार्टर वगैरह बने हुए हैं जहाँ पर, और राइट साइड पर मकानात वगैरह भी है। यहाँ से हम आगे की साइड पर उल्टे हाथ से टर्न लेंगे और फिर जो इलाका शुरू हो जाएगा वो मेन जो है बड़ा बोर्ड का इलाका कहलाता है। इलाका तो ये भी बड़ा बोर्ड का है और सीधी जो गली जा रही है वो भी पश्तूनों की आबादी है। ये इलाका कभी बहुत ही छोटे छोटे मकानात हुआ करते थे इन इलाकों में, लेकिन अब यहाँ पर जो एकल ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई बन चुकी हैं। यहाँ पर मकानातों की कैटेगरी जो है वो 40 गज़, 60 गज़ और 80 गज़ को ही शादर नाजिर ही हमें नज़र आएगा मकान, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर 40 गज़ के और 80 गज़ के हैं। ये हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोगों ने दो मकानात एक साथ लेके और फिर 80 गज़ पर बिल्डिंगें भी बना दी हैं। ज़्यादातर अब ये इलाका कमर्शियल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाएं और बाएं दोनों अतराफ मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें हैं, जिसमें पकवान, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और दीगर चीज़ें, दर्जी वगैरह, ये तमाम यहाँ पर कारोबार चल रहे हैं। आगे की साइड पर जो है मेन मार्केट शुरू हो जाती है मार्बल की, यानी आबादी से थोड़ा बाहर की साइड पर। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर कारखाने भी बने हुए हैं इन इलाकों में मार्बल के, जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। काफ़ी पुराना इलाका है, जो कि ये बड़ा बोर्ड से अगर आप इसी तरह सफ़र करते हुए चले जाएँ तो गार्डन बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं और मेवा शाह का कब्रिस्तान भी, रास्ता भी इन्हीं इलाकों से गुज़रते हुए भी आप जा सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों ने हमसे गुजारिश की थी कि बड़ा बोर्ड, हसरत मोहानी और वहीदाबाद कॉलोनी की बहुत पुरानी रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि आपको यहाँ का विज़िट कराया जाए, इन इलाकों में कितनी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। ज़्यादातर अभी तो हम समझ लें कि ये बड़ा बोर्ड तक ही पहुँचे हैं, आगे अगला चौक जो है वो हसरत मोहानी कॉलोनी का शुरू हो जाएगा। यानी थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम रख दिए गए हैं, जैसे बड़ा बोर्ड, फिर हसरत मोहानी कॉलोनी, फिर वहीदाबाद और फिर उसके बाद बर्फ खाना और पंजाब कॉलोनी, ये भी इधर भी मौजूद है आगे की साइड पर। ज़्यादातर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं और कमर्शियल एरिया, ये टोटली कमर्शियल एरिया हो चुका है। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आज से तकरीबन 30-35 साल पहले जो हमें मालूम हुआ है यहाँ पर मकानात ग्राउंड फ्लोर बने हुए होते थे, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई और वैसे वैसे इलाकों के नक्शे भी तब्दील होते चले गए, यानी कि इलाके भी तब्दील होते चले गए। जो ग्राउंड प्लस मकान थे वो 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला इस तरह होते चले गए। अभी आप कॉर्नर का मकान देख सकते हैं, ये 3-4 घर ख़रीदने के बाद ये इस तरीके से बनाया गया है। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, मैं ऊपर कैमरा करके दिखा रहा हूँ कितना ऊँची ऊँची बिल्डिंग है। ये गलियाँ हैं, ये पतली पतली गलियाँ भी हैं, यहाँ पर ये रास्ते भी हैं, तो मैंने कहा ये गलियाँ भी आपको दिखाई जाएँ। गलियों में भी आप देख सकते हैं कमर्शियल काम हो रहे हैं,
मार्बल के भी कारखाने खुले हुए हैं। तो जो लोग यहाँ से रह के अब शहर के दूसरे इलाकों में या शहर से बाहर जा चुके हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको अपना बचपन ज़रूर याद आएगा, अपनी यादें जो बचपन की यहाँ गुजरी हैं वो भी देखेंगे। सारी बातें जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की तो वो सारी बातें वो यहाँ से रह के जा चुके होंगे, इसीलिए उनको अपना इलाका देखना था। तो आज हम उसी सिलसिले में यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। पतली पतली गलियाँ हैं, रक्षे भी यहाँ मौजूद हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ा इलाका है। मैं एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकता, जहाँ तक हो सका मैं वीडियो पे कवर करूँगा और फिर उसके बाद इसको नेक्स्ट पार्ट के तौर पर फिर डालेंगे, आपको वीडियो अपलोड करके दिखाएंगे इसका दूसरा पार्ट भी। अभी फ़िलहाल ये पार्ट वन आप समझ लें इसको, क्योंकि वीडियो अगर हम पूरे इलाकों में घूमते रहें तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की। लेकिन जाहिर बात है आप लोगों के पास भी टाइम कम होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की तो 10 मिनट की या 8 मिनट की वीडियो अपलोड हम कर देते हैं। ये तकरीबन तमाम इलाके की गलियों का साइज़ यही है, कुछ जगह पर थोड़ा बहुत रोड चौड़ा है। जैसे मैंने शुरू स्टार्ट किया वीडियो बनाना, वो ज़रा मेन बाज़ार आप समझ लें इस इलाके का। अब ये वहीदाबाद का इलाका भी जा चुका है और अब हम वापसी उसी रूट पर आ रहे हैं जहाँ से हमने वीडियो शुरू की थी, लेकिन इसके अंदर की साइड से होते हुए आ रहे हैं। पहले मेन रूट से हमने आपको पूरा व्यू दिखाया था, तो अब हम इसको दूसरी तरफ से दिखा रहे हैं। हमारे चैनल पर जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट और मुख्तलिफ इलाकों की अब ब्लॉग आपको वक्त पर मिल सकें, नोटिफिकेशन उनके। छोटे छोटे बच्चे गलियों में खेलते हुए, शाम का टाइम है, कुछ बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आ रहे हैं। तो ये है इलाका बड़ा बोर्ड, हसरत मोहानी कॉलोनी और वहीदाबाद। इस वक्त हम हसरत मोहानी कॉलोनी में पहुंच चुके हैं, वहीदाबाद को क्रॉस करके और इससे आगे की तरफ जाएंगे तो अब हम बड़ा बोर्ड पर वापस पहुंच जाएंगे। दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो को अब हम थोड़ी सी दूर जाके इख्तिताम करेंगे और इसे पार्ट टू में आपसे मुलाकात करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।